ये बिल्कुल इसके रेडिस रेडिस है, ये देखो ये पूरी एनर्जी सी है इसके, और इसी से इसके ये हो रहा है। जब आप ब्रीडिंग करते हैं अपना बुल तैयार करते हैं तो अपने हिसाब से तैयार करें, अपने घर के हिसाब से उसको ढालें। यही सुंदर शाम का नज़ारा देखने के लिए हम यहाँ आते हैं, और जब जब आते हैं तो उसके बाद मन करता है कि यहाँ से जाए ना, और नहीं करोगे तो मुक्का पड़ेगा ऐसे और फिर अपने आप घंटी का बटन दब जाएगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, वीडियो की शुरुआत हो रही है, गायों को मैं छोड़ने जा रहा हूँ चरने के लिए, और यहाँ बहुत ही रास्ता ख़राब है, पीछे आपको दिख रहा होगा पूरा कीचड़ ही कीचड़ है, फिर भी ऐसे में जाना पड़ता है। और बारिश ऐसी आ रही है कि रात को आ रही है या सुबह के टाइम आ रही है, और थोड़ी बहुत आ रही है जिससे कि कीचड़ हो जाए, बस हमें चलने में परेशानी हो, बाकी दिन भर मौसम खुला रह रहा है, लेकिन मौसम के खुले रहने से हमारे और काम हो जा रहे हैं। चलो 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 गंगा, चलो 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 चलो। तो दोस्तों वीडियो हमारा बनता रहेगा, गौ माताओं से दिन भर जुड़े रहेंगे, अपना कार्य करते रहेंगे। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं, लाइक करना है और शेयर भी करना है। तो दोस्तों कमी नहीं आनी चाहिए प्यार में, प्यार बढ़ते रहना चाहिए। मैं पहुंच चुका हूं दोस्तों नीचे वाले खेत पे, जिसके बाद हमारा पुल आ जाता है, और पुल के बाद फिर सभी गाय चले जाती हैं चरने के लिए। चलो 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 जर्सी चलो। इतने ख़राब रास्ते में दोस्तों ऐसे ही जाना पड़ता है, लेकिन बस ये सुकून है घास बहुत ज़्यादा हो गया है तो गायों को परेशानी नहीं होती पेट भरने में, और इतना चर के आती हैं कि घर आके फिर उनका खाने का मन भी नहीं करता। तो सभी गाय दोस्तों चल पड़ी हैं अपने रास्ते पे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ बारिश के बाद पूरा हरा भरा है, लेकिन साथ ही कई जगह यहाँ पानी और कीचड़ भी है, तो यहाँ पर गाय रुकती नहीं है और वो सीधे निकलते जाएंगी आगे उस फील्ड में जहाँ की ऊँचा है उस तरफ, क्योंकि उस तरफ ऊंचा है तो वहाँ पानी रुका नहीं है और उसी तरफ जाती हैं गाय, अब वहीं चरेंगी। तो गायों को छोड़ के तो मैं आ गया, और यहाँ आके देखा तो सभी डटे पड़े हैं अपने खाने में, रम्मू, खम्बू, सरस्वती, भोली माँ और साथ ही छमछारा। दोस्तों सारा काम निपट गया है, सुबह का नाश्ता वास्ता हो गया है, वेट कर रहे हैं दीपक भाई का, दीपक भाई अभी तक नहीं आया है। दीपक भाई के साथ बस एक यही रिस्क रहता है, अगर दीपक भाई ने लगा ली तो फिर वो जी भर के लगाते ही रहता है। फ़ोन भी स्विच ऑफ है, फिर भी एक आध लोगों से फ़ोन करके बात करके भी बुलाया गया है, अगर आते हैं तो आज यहाँ ईंटें डाल के हमारा एटलीस्ट वो काम तो हो जाएगा। बहुत दिक्कत होती है जब ऐसा मौसम ख़राब हो और आपके पास सीमित समय हो कि आपको सीमित समय में सब कुछ करना है। सरू, ए सरू, ये हमारी भोली माँ जो कि बैठी हैं, इनके साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। छमछम और खम्बू को इसलिए बांधा गया है क्योंकि वो बार बार इधर उधर चलते रहती हैं, और यहाँ आप देख रहे हो दोस्तों कीचड़ कैसा है, और ये दीदी ने देखो ये लिपाई भी कर दी यहाँ पे, जो गीला हो रहा था उसी को लीप दिया, मतलब बहुत ही समझदार और बहुत अच्छा काम वो करती हैं। रम्मू, और एक जो चीज़ है मैंने ये नोटिस करा है, रम्मू की आँख में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ये देखो दोस्तों इस तरह से। हाँ बेटा दिखा, जाली आँख दिखा, इस आँख में भी यही हाल है दोस्तों। तो अभी रम्मू का हम देखते हैं, दवा करते हैं, ये देखो ये इस तरह से घाव बन रहे हैं किनारे किनारे। हाँ बेटा कुछ नहीं करता, बहुत ही सीधा है। जैसा कि दोस्तों आपने देखा पीछे रम्मू बैठा हुआ है, और रम्मू की आँख में जो एलर्जी सी हो रही है काफ़ी दिन हो गए हैं, मैंने सोचा कि वो ठीक हो जाएगा, ऐसे ही कहीं चोट लगी होगी इसलिए पानी बह रहा होगा, लेकिन दोनों आँखों से बह रहा है, घाव बन रहे हैं, एलर्जी सी हो रही है। तो इसके लिए मैंने पता करा, हमारे मित्र हैं डॉक्टर साहब महेंद्र शर्मा जी, राजस्थान में रहते हैं, मैं जो भी चीज़ें पता करनी होती है उनसे पूछता हूँ, देसी इलाज अपना एक तालिब भाई है तालिब हुसैन वो बताता है, तो ऐसे ही कई मित्र लोग हैं जो कि सही इलाज बताते हैं। तो डॉक्टर साहब ने इसके लिए बताया कि आपको ठंडे पानी से आंखें धोनी पड़ेंगी, पोछनी पड़ेंगी, उसके बाद एंड्रोफ्लॉक्सिन जो कि एंटीबायोटिक आता है इंजेक्शन, उसकी 2-2 ml की ड्रॉप आंखों में मार दो, बिल्कुल सही हो जाती है। तो आज वो ट्राई करके देखेंगे कि रम्मू की आँख में उससे कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, अभी तक कोई भी दवा हमने नहीं करी इसलिए आज ये करेंगे। और ऐसे ही जानकारियाँ मिलते रहती हैं गौपालकों से, डॉक्टर लोगों से, जो भी आपका सपोर्ट करते हैं या आपके कॉन्टैक्ट में रहते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, तो उनसे जानकारी लेते रहनी चाहिए, गौपालकों से भी, किसानों से भी, डॉक्टरों से भी, वो काफ़ी फायदेमंद होती है। दोस्तों हुआ वही जो मुझे लग रहा था कि होगा, दीपक अपना भाई तो आया नहीं, क्योंकि जब वो पीता है तो फिर वो कई दिन तक पीता है, लेकिन एक दिन अगर वो भाई आ जाता तो आज हमारा काम निपट जाता, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, अब तो धूप भी बहुत तेज़ पड़ने लग गई। तो ये हम ठंडे पानी से कपड़े को भिगा ले रहे हैं, और उसके बाद हल्के हल्के आँखों को पोंछेंगे, कपड़ा भी नीचे ना लगे गंदा हो जाएगा। रुक जा बेटा, बस पोंछने दे, बहुत गंदा हो रहा है इसके सब ये। अब हम इस ब्रश से साफ कर रहे हैं,
वो डर रहा है बेचारा कि कहीं मेरी आँख में तो कुछ करना दे, चोट ना लग जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। खाली बाहर बाहर हम पूछेंगे जहाँ जहाँ ये गंदा लग गया है इसका, तो ये पूछ लेते हैं, पूरी सफाई कर देते हैं आँखों की। जा बेटा, अभी दोस्तों आप देख सकते हैं, देखो ये कंडीशन है, ये बिल्कुल इसके रेडिश रेडिश है, ये देखो ये पूरी एलर्जी सी है इसके, और इसी से इसके ये हो रहा है। तो अभी हमने लगभग इसको साफ़ तो कर दिया, अभी कपड़े से थोड़ा सा और पूछ लेते हैं इस वाले एरिया को, ये एक बार ढंग से साफ़ हो जाएगा तो फिर हमें जो हम ड्रॉप डालेंगे तो अब हम भर रहे हैं इसमें एंड्रो हमें 2 ml लेना है, और बस ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि 2 ml हमारा हो जाए। ये देखो दोस्तों, अब ऐसे करके रुक जाओ मैं ऐसे, तेरा एक थोड़ा सा और बचा है, ठीक है। इसकी एक आँख में तो पड़ गया है, दोबारा इंजेक्शन भरते हैं और फिर दूसरी आँख में डालते हैं। बस अभी गुस्सा हो रहा है क्योंकि अब इसके डायरेक्ट मैंने आँख में डाला है, तो इसका रिजल्ट देखते हैं क्या होता है। अब हम कर रहे हैं रम्मू जी की मालिश, देखो मालिश करते ही एकदम बिल्कुल शांत खड़ा हो गया। कितने बाल निकल रहे हैं देखो, इस समय बाल निकलते हैं बरसात के मौसम में, ये देखो ये देखो ये बाल निकलेंगे, फिर नए बाल आते हैं, ऐसे ही चेंजेस होते रहते हैं इनके बॉडी कलर में, कोटिंग में। अभी कुछ टाइम बाद इसकी डाइट ऐसी रही बढ़िया और ये अच्छी ग्रोथ करेगा, तो ये सब बिल्कुल स्किन जो है इसकी एकदम चिकनी हो जाएगी, काफ़ी पहले के मुकाबले में काफ़ी अंतर तो आ चुका है, ये चीज़ें काफ़ी चिकनी होने लग गई हैं। तो देखिए इसके हम कुछ भी करते हैं ना, ये ऑर्गन्स है इसके, यहाँ हाथ लगाते हैं, मालिश करते हैं, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और खुशी होता है उसके बाद ही। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जब आप ब्रीडिंग करते हैं, अपना बुल तैयार करते हैं, तो अपने हिसाब से तैयार करें, अपने घर के हिसाब से उसको ढालें, फैमिलियर हो, आपके प्रति समर्पित हो, कहना मानने वाला हो। अभी देखो ना, ये इसको मैं पूरा इसके ऑर्गन्स को ऐसे सहलाता हूँ, मालिश करता हूँ रोज़, यही काम है हमारा। ये बिल्कुल भी ना पैर उठाता है, ना सिर चलाता है, तो ये चीज़ें अभी से ज़रूरी हैं इसको सिखाना, इसको ढालना। दोस्तों एक चीज़ और है, अगर आपके पास नंदी अच्छा है ना, बुल अगर आपने अच्छा तैयार कर लिया, तो आपको एक चीज़ की टेंशन तो ख़त्म हो जाती है कि भाई किस समय डॉक्टर आएंगे, किस समय AI टेक्नीशियन आएंगे, कैसे मेरी गाय रुकेगी। अगर आपके पास बुल होता है और बुल अच्छा, बिल्कुल अच्छी पेडिग्री का, उसका पूरा मिल्क रिकॉर्ड उसकी माँ का आपके पास हो, बाप की माँ का मिल्क रिकॉर्ड आपके पास हो, और अच्छे से अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करें, जैसे कि ये है रम्मू, तो आपकी जो भी डेयरी फार्म होता है, गौशाला होता है, वो आगे के लिए पूरी सुधर जाती है। ऐसी ऐसी नस्ल आती हैं आपके पास कि आप कुछ कहने नहीं, हर जगह फिर आपको लोग जानने लगते हैं। तो इसमें टाइम बहुत लगता है, 4 साल से ऊपर हमें लग गया, तो हमारा ये बछड़ा हुआ है और अब ये तैयारी की तरफ है। अभी भी कम से कम 1 से 1.5 साल या 2 साल पूरा मानेंगे कि हम इसको सर्विस करें तभी यूज़ करेंगे, तब तक हमने फुल इसको, इसकी बॉडी को तैयार होने देना है, इसको फुल पूरा तैयार करना है, सारे इसके जितने भी ऑर्गन्स हैं वो डेवलप हो जाए अच्छे से, हाइट पूरी गेन कर ले, बॉडी वेट भरपूर आ जाए, तो वो ज़रूरी है। तो दोस्तों ब्रीडिंग अगर करनी है तो बुल आपको तैयार करने पड़ेंगे और अच्छे बुल तैयार करने पड़ेंगे। दोस्तों अभी बज गया दिन का 1, लेकिन नहीं आया वो बंदा जिसको समझता था मैं बहुत नेक, दीपक भाई ने बोला था मैं आऊँगा, लेकिन वो दिन में भी नहीं आया, इसका मतलब दीपक भाई पूरी तरह से चौक हैं। तो ये मैंने ट्रॉली भी लगा दी है ईंटों के पास, और अगर वो नहीं आते हैं तो फिर हमें ही धीरे धीरे करके इसमें ईंटें डालने पड़ेंगे और वहाँ जाके फिर बाड़े में रखने पड़ेंगे। अब हम आ गए हैं दोस्तों खूबसूरत शाम में, एकदम खूबसूरत जगह में, ये सुंदर वातावरण, हरी भरी हरियाली, पीछे पीपल का वृक्ष और चिड़ियाओं की चहचहाने की आवाज़। मैं आज बहुत जल्दी आया हूँ दूध लेने के लिए और साथ में पशु आहार का कट्टा देने के लिए, क्योंकि आज कुछ गाय और बछियाएँ कई दिनों से घर नहीं आ रही हैं, वो झुंड से अलग हैं और अब उनको आदत यहीं की लग गई, तो वो शाम को गेट पे भी नहीं आ रही, तो मुझे उनको सबको इकट्ठा करके आज घर लेके जाना है। दोस्तों शाम का काम जो हमारा यहाँ का होता है वो हम निपटा चुके हैं, भाई को दूध पैक करके हमने भेज दिया मार्केट, और मैं अभी आया हूँ यहाँ पे जहाँ पे कि सारी हमारी गाय और बछिया चर रही हैं, जिनको घर जाना है, बड़की कृष्णा और जमुना और शायद एक दो बछिया और, वो चले गई घर, बाकी इनको अब यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। साई, ये हमारी जो साई है आगे, वो बूढ़ी हमारी गौ माता साई, ये उसकी बछिया है, इसका नाम भी साई है,
जिसके साथ ट्रेजेडी हो गई थी, इसके दो थन ख़राब हो गए थे यह, और अभी ये फिर से प्रेग्नेंट हो गई है, 3 महीने से ऊपर इसको हो गए, और इसकी बच्चियाँ भी इसके साथ रहती है। तो ये यहाँ पे इसीलिए घर नहीं आना चाहते क्योंकि इतना चारा है कि ये खुद ही अपने शरीर बढ़िया बनाए जा रहे हैं। ये पिछली बार बहुत बुरी स्थिति हो गई थी साई की, लेकिन फिर भी हमने बहुत ट्रीटमेंट किया और इनको बचा लिया। अब ये चर के एकदम फिट हो गई हैं। खाता हूँ, ये भी साई की बच्चिया है जो इधर चर रही है। अब बच्ची देखिए, ये जो अभी पीछे दिखाई थी ये उससे छोटी है। अभी इसका कुछ क्लियर नहीं है कि ये प्रेग्नेंट हुई है कि नहीं हुई है। हाँ बेटा, गौरी की जो बड़ी बहन, जो बड़ी बच्चिया थी सुंदरी, जो हमने सेल कर दी थी शशांक को, ये उससे छोटी है। अभी इसका भी कुछ पता नहीं है कि ये प्रेग्नेंट हुई है कि नहीं हुई है। और ये हमें एक बच्चा मिला है, इसका नाम है प्रेमपाल। प्रिंस तुम्हारी गाय कहाँ है? उधर है। चर रही है? अभी दूध नहीं निकाला? अच्छा, दूसरी गाय का निकाला होगा। और ये है दोस्तों हमारी जमुना, गंगा की छोटी बहन और बड़की माई की बछिया। इसके भी हमेशा रम्मू की तरह आंखों से पानी आता रहता है, तो इसके भी अब मुझे जब ये घर आएगी तो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और अब ये मुझसे कह रही है कि प्यार करो, मालिश करो। और जमुना का तो श्योर हूँ मैं कि जमुना प्रेग्नेंट है, क्योंकि इसको करीब 2-2.5 महीने हो गए, इसने रिपीट नहीं मारा, और इसकी बॉडी की जो चमक है और ग्रोथ है उससे भी मुझे लग रहा है कि जमुना प्रेग्नेंट है। और इधर पे ये कज्जल है, एक हमारी गौ माता थी पहले, वो भी बहुत बूढ़ी थी, उनकी मृत्यु हो गई थी पिछले साल। ये उनकी बचिया है कज्जल। ये जो आपको बचिया दिखाई थी साई, जिसके थन खराब हो गए थे, ये है उसकी बचिया। ये अपनी माँ के ही साथ रहती है और शुरू से इसने 2 थन जो है वो इसी के हैं इसने। और ये हमारी जो लाडो थी, सबसे प्यारी जो हमारे घर में लाडो, ये उसकी बचिया है। और देखिए कितना बेहतरीन चल रही है, पूरा बड़ा मुंह खोल के। ये है चंदू, इसकी माँ भी हमारे पास थी, वो हमने किसी एक ब्राह्मण थे उनको दी, उनको पसंद आ गई थी। और ये प्रेग्नेंट है चंदू, अभी कितने महीने की प्रेग्नेंट है ये क्लियर नहीं हो पा रहा, लेकिन 4 से 5 महीने के अराउंड लगभग चंदू भी प्रेग्नेंट है। और ये सामने हमारी भोली माँ की बछिया राधा, जहाँ पे कि प्रिंस खड़े हैं, आगे प्रिंस भी खड़े हैं, ये राधा है। इस तरह से दोस्तों ये बछिया दिन भर अपनी माँ के साथ रहती है, जितना भी दूध इसका बनता है वो यही पीती है। हमने इसको एकदम फ्री छोड़ा है कि ये अपनी माँ के साथ ही रहती है, और घर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये घर भी नहीं जा रही है। तो शाम का सबसे सुंदर दृश्य तो दोस्तों यही है कि बूढ़ी गौ माता है, ये उसकी बछिया है, और अभी भी वही प्रेम वही वात्सल्य इसके अंदर है अपने बच्चे के लिए। और ये है दोस्तों आज की शाम का दूसरा सबसे सुंदर दृश्य, दूसरी गौ माता साथ में उसकी बछिया। देखो ये प्रेम है, ये माँ का अपने बच्चे के लिए प्रेम है। देखो ये हम भी कभी इनको छेड़ते नहीं, ना हमने कभी कोशिश करी कि इन दोनों गायों का हम दूध निकालें। दोस्तों यही सुंदर शाम का नज़ारा देखने के लिए हम यहाँ आते हैं, और जब जब आते हैं तो उसके बाद मन करता है कि यहाँ से जाए ना। ऐसी सुंदर बछिया जमुना और ऐसी सुंदर बछिया चंदू, और सारे के सारे ऐसे ही बच्चे हैं और सब ऐसे ही प्यारे और हमारे प्रति समर्पित हैं। तो दोस्तों ऐसी नस्ल को बढ़ावा ही देना हमारा कर्तव्य है, और आप सबका भी, देशवासियों का कर्तव्य होना चाहिए कि जो हमारा देसी गौवंश है उसको सुरक्षित किया जाए, कैसे उसको हम आगे प्रचार प्रसार कर सकें। तो अपने ही घर से पहल होती है, पहले पहल हमें ही करनी चाहिए। एक अच्छी सी गाय पालें, उस पर अच्छा सीमन रखें, या अगर अच्छा नंदी मिलता है तो उससे अच्छा बच्चा लें, और धीरे धीरे ब्रीडिंग करें। ये उन भाइयों के लिए है देखो जिनका मन है गौ प्रेम में, जो गौ प्रेम करते हैं। देखो अब ये मुझे मारते रहेगी कि प्यार कर, ठीक है? ये है, अब ये आ गई। चलो तो दोस्तों इतनी अच्छी अच्छी गौ माताओं की खाते तो सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छे अच्छे कमेंट कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और लाइक भी किया करो। और नहीं करोगे तो मुक्का पड़ेगा ऐसे, और फिर अपने आप घंटी का बटन दब जाएगा। ये तो मजाक थी, यूं ही मिलेंगे आपसे बार बार, लगातार फिर आऊँगा आपके मोबाइल पे। अगर नोटिफिकेशंस ऑन होंगे तो आऊँगा, नहीं तो क्या पता कहीं भूले भटके फिर दोबारा दिख जाऊँगा, तब मैं ज़्यादा वायरल होऊँगा। बाय बाय, राधे राधे, जय गौ माता, जय गोपाल।